सुनो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्विभावान्तरच्छदे बंदितु सभ्य सिद्धे द्रोमचल्मणो वं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु मृणमो सुध केवली वेदन। पूजन की पुस्तक आप लिए हो इसमें पेज नंबर 37 पेज बता रहा देव शास्त्र गुरु वरे अहो मम स्वरूप दर्शा किया परम उपकार में नमन करूं हरसा जब में आता आप ढिग निज स्मरण सुवार निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष दिए दिखा। जिन मंदिर शिक्षालय यहाँ पर आदर्श देव शास्त्र गुरु और सीख मिलती है स्वाधीनता की। फिर से ये जो अपन बाल संस्कार शिविर लगाते हैं ना ये जैनत्व यानी जैन पना यानी जितेंद्री पना तो यहाँ जो पीछे बैठे ना हैं हमारे पास आ जाए या यहाँ आ जाए जो कुर्सी पे बैठे ना उस और पास आए मनोज बाबू और पास लेकिन देखो थोड़ा सा समय है और अच्छी बातें कर दो है ना। अपने कष्ट कैसे बैठे अपन कैसे सुखी हो उसके लिए गजब का ही विज्ञान है। लोकोत्तर बात है जगत में ये कहीं सुनने भी नहीं मिलती हो आपके हाथ में पुस्तक नहीं तो देखो कहाँ से चार्ज करते। जैसे अपना स्कूल होता ना तो स्कूल में शिक्षक होता स्कूल में नियम होते बच्चे आते हैं तो बच्चे आते हैं तो यूनिफॉर्म में आते समय पे आते हैं जो विषय पढ़ाया जाता वो पढ़ते जब टाइम देते हैं कि अब भोजन का समय होता तब भोजन करते कुछ भी अनैतिकता अपन को बर्दाश्त नहीं होती। समय पर आना यूनिफॉर्म पहनाना जो विषय पढ़ाए वो पढ़ना उसका उत्तर देना जैसा अपन सब देखते लोक ऐसे ये अब ये लोक उत्तर है ये बच्चे से अपन बड़े शरीर से तो बड़े हैं तो बुद्धि में बाल क्योंकि जब तक बच्चा छोटा कब तक है जब तक उसे भगवान का मार्ग नहीं मिल जाता तब तक वो लघुनंदन नहीं बन पाता ना तब तक वो शिक्षक सिखाते ही रहता ऐसा सीखो ऐसा समझो ऐसा। अब अपन सब यहाँ आए हैं अपना कष्ट मिटाने के मेंटल हॉस्पिटल का नाम है ये मंदिर यहाँ मस्तिष्क के विभ्रम दूर किए जाते जीवों को सच्चाई का परिचय कराया जाता दुख मिटाने की विधि बताई जाती यहाँ कोई लादने की जबरदस्ती हट की बात नहीं तुम्हें ऐसा लगे कि ये बात समझने से हम सुखी होंगे मान जा कभी क्या बताया ये मंदिर है शिक्षालय और यहाँ पर अपने भगवान जो देव शास्त्र गुरु तीन बताए जाते एक तो जिनने ये कक्षाएं दुख के अभाव की पार कर ली और परम सुखी हो गए उनको कहते देव और जो सीख देते हैं उसे कहते शास्त्र जिनवाणी लिपिबद्ध और जो उस पर चलते हैं वो कहलाते हैं गुरु। तो तीन हो गए मनोज भैया देव शास्त्र और गुरु। देव कौन कहलाने जो सुखी हो चुके जिनने अपने जैसे दुख को अभाव करके ऐसी शांति की निराकुलता की प्राप्ति कर ली जिन्हें देख के अपन को ऐसा लगता है कितना अच्छा जी जिन्हें देख के खुशी हो भगवान की शांत मुद्रा देखी आपने अंतर्मुखी होती हाथ में हाथ रखे होते पैर पे पैर रखे होते कितनी शिक्षा देते कहीं भागने की जरूरत है कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं आप अपनी आंखों को
मंद यानी मोड़ो, अपनी तरफ उपयोग को जोड़ो, पर आप अपना आनंद भोगो। क्योंकि कोई द्रव किसी को सुखी कर दे दुखी कर दे ऐसी जगत में व्यवस्था तो है। हम पाप करें और हमारे भगवान कैंसिल करें, ये जैन दर्शन है ऐसा बेईमान दर्शन। ये कोई पुलिस वाले ही है जो घूस लेके माफ करेगा, परंतु जो जो परिणाम बिगाड़ेगा उसका फल उसे मिलेगा ही, और जो अच्छे काम में लगेगा वो सुखी होगा ही। और अच्छा काम कहलाता है ईमानदारी, स्वाधीनता, किसी के बल से नहीं जियो, आप अपने को पहचानो, अपने बल से सुखी हो। ऐसी बात इतनी समझ में आई है, अब अपन चालू करते हैं। क्योंकि ये पूजन में वो बातें भरी हैं जो शास्त्रों में भरी, परंतु ये हाथ में आपके इसलिए आ गई ना, तो एक अवलंबन रहेगा देखने। पहली लाइन, देव शास्त्र गुरु अरे अहो मम स्वरूप दर्शाय किया परम उपकार मैं नमन करूं हर साय जब मैं आता आप ढिग निज इस मरण सुआ निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष देय दिखाय प्रत्यक्ष देय दिखाय। देखो सभी जीव हैं, सभी को सुखी होना, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की बात नहीं है। ये सब देह के भीतर एक आत्मा भरा है, और सबके मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, सबके जनक होते हैं, ऐसा सब जानते, सभी एक तरह से जन्मते हैं, एक तरह से संसार चल रहा है। बात तो यहाँ ये है कि अपना दुख कैसे मिटे, तो अपन उनके पास आए हैं जिनका दुख मिट गया है और हमें सुखी होने की रास्ता बताते। तो पहली लाइन में अपन ने पढ़ा, हे देव, हे जिनेन्द्र देव, आपने इंद्रियों को जीता, आपने आत्मा के बल से जीता, आपको आनंद अपना आया, इतना अच्छा आनंद आया अपने में रहने से, आपको अपने को पहचानने से कि विषयों की याद नहीं आ। भोजन बाबू जी कब तक अच्छा लगता है, जब तक भूख, और भूख मिट जाने के बाद आपसे कहें रसमलाई खा, आपसे कहें और जो गुलाब जामुन ले, तो आपको वो भोजन अच्छा नहीं लगता। राजकुमार जी वही भोजन है जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे बहुत अच्छा, आप कहते अच्छा नहीं, भोजन तो एक ही प्रकार का, फिर अच्छा क्यों नहीं लगता? अब क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि ये भूख में अच्छा लगता है, रोगियों को अच्छा, इनको क्यों अच्छा नहीं लगता भगवान? क्योंकि भूखे क्यों नहीं है? क्योंकि भूख तो देह में ममत्व से लगती थी, अब देह ही का ममत्व नहीं दिखता, आत्मा में अपनत्व ऐसा आया कि देह तो पड़ोसी जैसा दिखता है, तो उस शरीर होने पर भी उन्हें भूख नहीं लगती, और एक शरीर होने पर अपना नहीं होने पर भी कहता तो मैं भूखा मैं भूखा, ये कहां से बोल रहा? शरीर में खड़े। तो ये जैसे आपकी बच्चा गिरे, बच्ची गिरे, तो हमें दुख क्यों नहीं होता, आपको क्यों क्यों होता है? अपनापन है तो ममत्ती का दुख हुआ, ममत्ती का दुख हुआ, आपका बेटा गिरा तो आप दुखी हो गए, और जब आपका बेटा का स्नेह छूट जाएगा कि मेरा है ही नहीं, संसार तो सब स्वतंत्र है, अपनी अपनी योग्यता से आते चले जाते, ये तो अगली पर्याय में एक नहीं मिलेगा जो अभी दिख रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपना माना है, कोई अपना नहीं, और अपना होता तो फिर आपके साथ आता और आपके साथ जाता। जो आपका होता है वो सदा काल आपके साथ होता है, और जो कभी हो कभी ना हो वो आपका नहीं है, वो मेला, वो छूट जाता है, जो छूट जाता है वो छोड़ने योग अभी से मनवा रहे हैं, और जो अपना है वो याद नहीं आता, उसे याद करा रहे। इतना सरल मार्ग है, कहीं विश्व में ऐसा धर्म मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई टाइटल नहीं है कि जैनियों का धर्म, ये जितेंद्रियों का धर्म, ये समझदारों का धर्म, ये ईमानदारों का धर्म है, ये बेईमानी में दुखी है। कैसी बेईमानी? ये मिला है अपन को पड़ोसी, इसको अपना मान बैठे, ये कितनी बड़ी बेईमानी। यदि आपका है तो फिर आपको इसको साथ में ले जाना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। अपने बिना पूछे सफेद हो रहे, बिना पूछे बीमार हो रहे, बिना पूछे दांत में कीड़े आ रहे, बिना पूछे हार्ट अटैक आ रहा, तुम्हारा है तो कंट्रोल करो ना। ये भगवान कह रहे भैया, शरीर को शरीर जानोगे तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे, आत्मा को अपना जानोगे तो सुखी हो जाओगे, और शरीर को अपना नहीं अपना मानोगे तो बहुत दुखी हो।
क्योंकि ये तो बदलेगा। तो हे भगवान, सबसे पहले वंदना की, हे भगवान आप देवसाज गुरु ने अहो मेरा स्वरूप बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। शरीर गलेगा, जलेगा, नष्ट होगा। अब हमें समझ में आ गया हमारी मुनिराजों पर उपसर्ग आई तो वे दुखी क्यों नहीं। प्रमोद भैया अपने मुनिराजों पर उपसर्ग आते तो दुखी होते हैं क्या कि नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें भेद ज्ञान हो गया ना कि मेरा नहीं। और जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है उन्हें कुछ भाषा ही बोल दो हम तुम्हारा बिगाड़ कर दें तो बिगाड़ बिगाड़ कुछ नहीं कर पाएगा अपने पुण्य के उदय बना। परंतु ये यहीं से चिंतित हो जाए तो सारा दुख अज्ञान का है कि ये मेरा है। और भगवान के पास आओ तो ये मेरा नहीं है। ये डॉक्टर साहब कैसे सीखने मिला? जो अपना है उसे देखते रहते। सोम मुद्रा होती भीतर देखती मिलती भगवान की मुद्रा। ये क्या देखती होगी? क्योंकि आत्मा ही अपना है और सब कल्पना और सपना। क्या कहा सतीश भैया हमने? आत्मा ही अपना है और सब सपना है और कल्पना है। सपना क्यों कहा? क्योंकि भूतकाल चला गया सपना ही था और भविष्य में कल्पना ही करते हो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारी सोचने से होने लगे ना तो विश्व में प्रलय हो जाएगा। इतना जैन शासन जबरदस्त शासन, इसकी कीमत जैनियों को नहीं आती, अजैनों को आ रही। भाभी जी अजैन ही बड़े बर्णी जी थे हमारे, गणेश प्रसाद जी बर्णी, ये अग्रवाल। और ऐसा पसंद आया जो फिर लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी पिछली कमंड छुड़ा लें, तुम यहाँ आयो छच्छा खाने के लिए। तो वो उनने बर्णी जी ने उत्तर दिया राजकुमार जी कि तुम पिछली कमंड छुड़ा लोगे तो छुड़ा लोगे, परंतु हमारे अंदर जो रुचि हो गई उसे कैसे छोड़ो। हमें जो भाग गया है कि देह से भिन्न ये धर्म बताता है, अब हमारी रुचि कैसे छोड़ो? ये हम तो मूर्खताई में से अपना मान रहे थे, ये अपना हुआ नहीं। आज हमें समझ में आ गया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जहां देह अपनी नहीं। अब तो हमें कैसे जबरदस्ती उल्टी पट्टी पड़ा। तो हमारे भगवान ने हमें क्या बताया? मम स्वरूप दर्शाय, मेरा स्वरूप यानी देह से अलग कोई एक आत्मा है जिसे अपन नाम भी नहीं लेते, जिसमें चेतना है, जो जानता देखता है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो अनंत गुणों का भंडार है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा है, जिसका आनंद मुनिराज निरंतर भोगते हैं और अनंत सिद्ध भगवान उसमें सुखी रहते हैं, उसे बताने वाले भगवान है। सोचो अपन भगवान को किस रूप में देखते और किस रूप में दिखा रहे। हमने तो एक पर पार्टी बनाली के मंदिर गए थे दर्शन करे, अरे इतना बड़ा प्रयोजन। संतोष भैया अपन दर्पण देखते काय के लिए? देख चेहरा देखने। तो भगवान के दर्शन काय के लिए करना चाहिए? ई लाइन देव शास्त्र गुरुवर अहो मम स्वरूप दर्शा। इतना सा काम किया वो कितना बड़ा थैंक यू दिया किया परम उपकार प्रभु नमन करूं हर सा। नहीं समझ में आया अभी उपकार, इसलिए अपना मस्तक नहीं झुकता है। ये इतना बड़ा उपकार है जैसे किसी आतंकवादी ने अपना अभिनंदन को ले गए थे ना पाकिस्तान में पकड़ गए और पूरा शासन लग गया, पूरी देश विदेश के सारे लोग लग गए, एक व्यक्ति लौट के आना चाहिए नहीं तो पाकिस्तान बचेगा। इतनी बड़ी बात थी, एक व्यक्ति को उसे कैद में कर लिया और उसका लौटना पूरे भारत 125 करोड़ व्यक्तियों के चेहरे पर प्रसन्नता थी। अमेरिका खुश, रसिया खुश, चाइना खुश, ये वापस आ गए। ऐसे ही अपना आत्मा आतंकवादी इस मोह ने पकड़ लिया है, यानी ये मोह आत्मा को समझने नहीं देता और उससे कोई छुड़ा ले, जैसे कोई निकाल के बता दे करे तू शरीर में रहने वाली एक मूर्ति है, चेतना तुझमें बह रही है, तू ज्ञाता दृष्टा है, समझदार वस्तु है, तू जड़ नहीं है शरीर जैसा, ये मुर्दा नहीं है तू, तू आत्मा। ऐसा कोई बताए तो कहते क्या परम उपकार, अरे आपने आत्मा क्या बता दिया मुझे तो मोक्ष दे। क्योंकि यदि आत्मा नहीं बताते तो हम इसके मोहमत में मर के फिर शरीर में। शरीर की बुद्धि में शरीर मिलते हैं और आत्मा की बुद्धि में आत्मार्थी आत्मा और भगवान बनते।
बुद्धि तो है, आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, पर ममत्व तो करते हो, तो दूसरी लाइन हो गई। बहुत बड़ा उपकार, कौन सा बड़ा उपकार है, अपन डॉक्टर के पैर पड़ने लगते, डॉक्टर साहब आपने डायग्नोस कर, हमें 2 साल तक टीवी रही कमर में, और सारे डॉक्टर जबलपुर के मनोज बाबू एक हालू स्ट्राइड लगा दी, हम बहुत दुखी हो गए, यानी परेशान इतने हो गए कि अभी दवाई भी नहीं लगे, और महसूस ऐसा करा कुछ रोग नहीं है, और बाद में ऐसा खड़ा हुआ कि कोई औषधि नहीं, और बॉम्बे गए और एक डॉक्टर ने सारी मेहनत करके हड्डी से रस निकाल के और उससे बताया कि इसमें टीवी की जर्ब्स है, अपन को हजारों लाखों रुपए लग गए, और तो भी अपन कहते बहुत अच्छा किया आपने, देखो वो कह रहे तुम्हें ये रोग है, और अपन कहते धन्यवाद बाबू आपने कैसी परख कैसे की, ऐसे हमारे के भगवान है, ये बड़ा उपकार करते, क्या कहते कि हे भाई तू मूर्ख है जो शरीर को अपना मानता है, तू तो समझदार है ना आत्मा को आत्मा मान, अब वो मूर्ख भी कहते तो हमें अच्छे लगते, कौन हमारे गुरुजन, हमारी जिनवाणी माता, हमारी जिनेन्द्र भगवान, हमें अपना वैभव भी बताते हैं और हमारी भूल भी बताते, ये उपकार विश्व में कोई नहीं कर सकता, पैसा दे सकता है, भोजन करा सकता है, स्कूल पढ़ा सकता है, अरे पद दे सकता है, परंतु शांति कहाँ से लाएगा जब तक ये कर्तव्य तो नहीं छूटेगा, देह की मूर्छा नहीं छूटेगी, सुखी नहीं होगा ये कह रहा, और जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाते भी महासुखी हो, ये फिर उनके मुंह से निकलता थैंक यू साहब बहुत अच्छा आपका बड़ा उपकार, आपने हमारा घर बताया, तो युगलजी बाबू जी को उदाहरण देते थे कि राजमहल से कोई रानी अपना महल छोड़ करके घर से बाहर निकल गई, कुछ दिमाग ढीला पड़ गया और वो भीख मांगने लगी और आपके सामने गई कि बाबू जी भूख लगी भोजन कराओ, तो बाबू जी आप क्या करोगे, भोजन कराओगे कि कराओगे, तो ये कह रहे कि ऐसी दया तो अपन को अनंत बार आई कि उसे भिखारन बना देंगे अपन, परंतु सच्ची दया ये है कि उसे रानी है, वो चेहरा उसका गवा दे रहा, ब्यूटीफुल सुंदर है, दिखती बड़े घर की महिला, तो अरे बहन जी कहां से आया, किसी ने कहा कि रानी अरे इसे भोजन नहीं देना भाई साहब, इसे महल देना, इसे राजा के पास भेजना, राजा के पास भेज दिया तो भीख मांगना कल से बंद हो जाए, और राजा के पास नहीं भेजा और आपने रोटी दी तो भिखारन बना दिया, फिर दो, हर घर मांगेगी वो भिखारन बन जाए, ऐसा धर्म है भाई साहब कि हमारे पास आओ तो हम तुम्हें प्रसाद दे दें, ऐसा धर्म नहीं, तुम प्रसाद मांगो नहीं, ऐसा आनंद आए तुम्हें भूल जाओ कि ये भोगों में सुख, इसलिए इनका उपकार आता है कि ये बात तो दुनिया में कहीं नहीं, गांधी जी से पूछा था कि आपको सबसे उत्कृष्ट धर्म कौन सा लगता है, कि भैया जैन धर्म लगता है, तो अजैन जैन लगता, क्यों, इसमें आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है, दूसरे धर्म में तो आत्मा परमात्मा की भक्ति करता है और परमात्मा की कृपा से सुखी रहता है इस भाव तक, और वो अब भाग खुद का रहता है तो कहलाता है कि भगवान की कृपा, और जैन धर्म कहता है सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है, ये भूल गया है, बोले ये धर्म सबसे श्रेष्ठ लगता, क्योंकि उनके श्रीमत जी गुरु उनने गजब की विद्या पढ़ी थी, विदेश गए मांस नहीं खाए, विदेश गए व्यभिचार में नहीं फंसे, विदेश गए वकील बन गए, और वकालत में भी उनसे कहा कि ये केस ले लो, हमने ऐसे ऐसे गलत काम किए हम पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूं और केस तुम हमें देते हो तो हम जिता के जरूर आएंगे, पर आपको ईमानदारी से सच सच बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो 10 साल से बेईमानी करते, तो आपको जज के सामने कहना पड़ेगा कि मैं 10 साल से गुनाह कर रहा हूं, पकड़ा इस साल में, आप बोलोगे तो केस जीत जाओ, गजब साहब और हमारी पोल पट्टी खुलवा रहे, और गए और साहब मेरा क्लाइंट का हृदय परिवर्तन हो गया, ये आपने तो 1 वर्ष की गलती पकड़ी, ये 10 वर्ष से काम कर रहा था और ये हाथ जोड़ के कहता आप कभी करूंगा नहीं, आपको जो सजा देना हो, जज इतना खुश हो गया कि भाई साहब ऐसे भी व्यक्ति होते जो अपनी भूल महसूस करते हैं और इनकी यही सजा है कि इन्हें छोड़ दे, इसका हृदय बदल, समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अपने भगवान के पास आ गए, अब तुम भगवान दास नहीं बनोगे, भगवान बनोगे, इतना ऊंचा मान भाई, क्योंकि तुम सचमुच में भगवान हो, तुम्हारे अंदर में शक्ति अनंत है, ये जीव भूल गया, एक एक
रोम रोम भगवान की मुद्रा का जनवाणी की एक एक लाइन और गुरुओं की एक एक समय की वाणी ये बताती है कि तू अपने को पहचान भाई, हमारे भरोसे नहीं। मनुष्य से एक प्रश्न और कर कि अपन बच्चे को स्कूल भेजते है ना, और बच्चे को अपन पढ़ाते, तो ये बच्चे को अपन पढ़ाते तभी तो ज्ञान आता है, अपन नहीं पढ़ाए तो ज्ञान आ जाए नहीं आए। ये जनवाणी कहती है कि अपन पढ़ाते हैं अपना परिणाम रखते हैं, और वो सीखता है अपने ताकत से, तो वो आपका पढ़ाना तब सार्थक कहलाता है जब वो खुद अपनी ताकत से सीख, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करता है। क्योंकि देखो इतने बच्चे आते हैं, किसी का चेहरा यहाँ कहीं का यहाँ कहीं का देखते रहते, और वो पढ़ाने वाला तो बेचारा अकेला पढ़ाता रहता है, परंतु जिसमें जो योग्यता होती वो ग्रहण करता। ऐसा शिक्षालय कि सीख तो गुरु सबको एक सी देंगे, पर 45 पास हो जाएंगे 5 फेल हो जाएंगे, तो बताओ 5 जो फेल हुए वो किसकी कृपा से, अपनी योग्यता से, और 45 पास हुए वो किसकी कृपा से। ये इस सिखा ऐसा स्वाधीन बनाता है। आप अपने घर में सुखी रह सकते हो कि नहीं, कि रह सकते हो, आप अपनी नजर बदल लो कि सब जीव स्वतंत्र हैं, सबके उदय स्वतंत्र हैं, सबका भाग अलग अलग है, हम कौन विधाता होते तो कर्तव्य तो नहीं आएगा, तो जनवर प्रसन्न रहो। और अभी जब तक ये धर्म नहीं समझ में आता, हम ही करते हम ही मरते हम ही लगे रहते, तब तक सबके भाग विधाता बने रहते हैं कसाया। ये उपकार किया है कि आपने कोई करिश्मा और जादू नहीं किया है, उनको बात सही बता दिए कि देखो भाई जगत में जो होने योग होता है वो कोई करता धरता नहीं। गर्मी पड़ रही ना, अभी आप इस समय बरसात ला सकते, ठंड ला सकते, तो गर्मी पड़ी तो क्या करोगे, यही तो करोगे कि भैया गर्मी पड़ी तो गर्मी रहेगी अपने घर में, और बरसात आएगी तो क्या करोगे, बरसात तो होगी आपके सोचने से तो रुकेगी नहीं, आप अपने घर में रहो। और ठंड पड़ेगी तो क्या करोगे, ठंड पड़ेगी तो ठंड में नहीं सुकड़ना तो अपने घर में रहो। तो उपाय क्या है, 3 उपाय है कि एक ही उपाय, एक ही उपाय अपने घर में रहो। ऐसे ही हमारी कोई बात नहीं मानता तो आप ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो जाननहार कि भैया स्वतंत्र है, भगवान की नहीं मानी, यदि भगवान की भी मान ली होती तो अपन भटकते का, सब जीव स्वतंत्र है, ये संकनाद करता है, और हम ज्ञाता दृष्टा मात्र जानना मेरा काम, सिद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, ऐसी घोषणा विश्व में जो दर्शन करे वो सत्य दर्शन, वो अपने काम का है, वो हमें सुखी बना सकता है, वो बता सकता है कि तुम अपने को आप पहचान लो, आप आत्मा हो तो आत्मा जान लो, जो छूट जाने वाली चीज है वो छूट जाएगी। जब मैं आता आप ढेगे निज इस मरण सुआ, निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष देय दिखाय, प्रत्यक्ष देय दिखाय। देखो रोज आने के लिए कहा, अच्छे आवश्यक प्रतिदिन देव दर्शन करो, पितृ पूजन करो, क्यों, क्योंकि यहाँ आते हैं तो अपनी याद आने लगे, अपना छाता भूल गए थे बरसात में लेके निकले और बंद हो गई बरसात, और जब आगे बढ़े किसी को छाता देखा तो अपना छाता याद आ, ऐसे ही भगवान को देखा तो अपनी याद ना आए समझ लेना भगवान के दर्शन नहीं कर, वो प्रतिमा के दर्शन कर रहा है, वो प्रयोजन नहीं साधा, भगवान को देखे और अपना भगवान याद ना आवे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा सचिन भैया कि भगवान तो ये, अपना भगवान आत्मा कैसे होगी, ये भगवान तो समझ में आती है, तो बच्चा भी कहता है ये शरीर में बैठा ये भगवान कैसे समझ में आएगा, कि जिसकी होन और अच्छी होगी उसे ये भगवान दिखे, कैसे दिखेगा भगवान, कि भगवान ने इसका ध्यान किया था तो भगवान बने, जंगल से भगवान नहीं बने, कहां से बने भगवान, शक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, बोरिंग में से पानी आया तो पानी था तो निकला, ऐसे ही पत्थर में मूर्ति में भगवान, मूर्ति में पत्थर में भगवान थे तो वो आवरण हटते ही दिखने लगे, ऐसे ही जी भगवान, जब भगवान लगता प्रदीप भैया पर क्यों नहीं लगता, क्योंकि अपन को अपने ज्ञान की महिमा नहीं है,
जबकि देखो भगवान के दर्शन कौन कर रहा, अपना ज्ञान समझ में किसे आ रहा, अपने ज्ञान में निर्णय कौन ले रहा, अपना ज्ञान फीलिंग कौन कर रहा, अपना ज्ञान ध्यान कौन लगाएगा, अपना ज्ञान, और सारा श्रेय तो अपने को देना चाहिए, धन्यवाद, और देते किसे, तो भगवान इसलिए अपन से कहते भैया हमारे सामने ज्यादा हाथ आप जोड़ के नहीं खड़ा करो, अपने को भी देखने के लिए आए हो यहाँ, जब मैं आता आग उठेगी तब याद आती ये बात, तब निजी स्मरण सुहाय, क्या स्मरण आ गया आपको, अरे मेरा ज्ञान भगवान है, ये किसी ने ज्ञान बनाया नहीं, कोई ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता, ज्ञान पे टैक्स नहीं लग सकते, शरीर छूट सकता है, दिव्यधनि छूट सकती है, समोसन छूट सकता है, गुणस्थान छूट सकते हैं, मार्गना छूट सकती है, दिव्यधनि छूट सकती है, परंतु कौन चीज नहीं छूट सकती है, ज्ञान स्वभाव नहीं छूट सकती, ये ज्ञान भगवान, ये घोषणा कर रहे भरी स्वभाव, एक चीज आपकी है जिसका नाम आत्मा, उसका नाम ज्ञान स्वभाव, और ये ज्ञान स्वभाव छूटता है नहीं, ये याद मगर यहाँ से याद जिनवाणी के पास बैठो तब, याद साधर्मी के पास गोष्ठियों में बैठो तब, निज स्मरण सुहाय, यदि अपना स्मरण नहीं आए समझ लेना दर्शन किए, और निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष देव दिखा, ये हमें आत्मा दिखाई नहीं रहा था, ये कह रहे अब हमें आत्मा ही आत्मा दिख, नहीं समझ में आया, डॉक्टर भारल का नाम सुना, उनकी पुस्तक एक व्यक्ति पढ़ता था है ना, और ट्रेन में डॉक्टर साहब खड़े और उन्हीं की पुस्तक पढ़ रहा एक यात्री, और कहता कि क्या डॉक्टर भारल है, क्या गजब का दस लक्षण पर तीर्थंकर महावीर सर्वोदय नय चक्र कितने ग्रंथ लिखे, पचासों ग्रंथ लिखे, किसी प्रतिभा है, और डॉक्टर भारल कह रहे कि भाई साहब थोड़ी हटना और हमें जगह दे दोगे, हमारी सीट है, शर्म नहीं आती तुम्हें, हमने पैसा लगाए, ऐसा अकड़ रहा है किससे, डॉक्टर भारल, और पढ़ाई कर रहा किसकी, डॉक्टर भारल, और तारीफ किसकी कर रहा, अब बताओ उससे बताया किसी ने, क्यों ये पता है कौन, नहीं मान, ये नरेंद्र मोदी है, ये डॉक्टर भारल, ये ऐसा बताए, अब उसे कैसे लगेगा, मैं जिसके गीत गाता हूँ उसी का अभिनय करता हूँ, वो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसे हमारे भगवान कहते हैं जिस ज्ञान से तुझे भगवान दिखे, जिस ज्ञान से तुझे घर, जिस ज्ञान से तुझे देव इंद्र दिखा, जिस ज्ञान से तू निर्णय लेता है, जिस ज्ञान से तुझे सब समझ में आता, उस ज्ञान का अपमान करता है, तुझे समझ में नहीं आता, ज्ञान को बर्बाद करता टीवी में उपन्यास, ऐसा गजब का धर्म है भाई, ये तो कल्पना भी नहीं थी कि अपन पंचम काल में भी कोई हमें भगवान कहेगा, भगवान तरीके देखेगा, हम समझ रहे थे कपड़ा उतर जाए और जब शरीर अलग जाए जब भगवान बने, वो कह रहे तुझे समझ में आ जाए कि तू आत्मा है ज्ञान स्वभावी, तो तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे और शरीर भी छूट जाएगा और भगवान, पहली क्लास है श्रद्धा होना चाहिए, मैं वही हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, मम स्वरूप है सिद्ध, जो मनुष्य ये लक्षित होंगी बड़ी बड़ी बात है, पर बच्चों की बात है, पहली क्लास है, बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि तुम बच्चे नहीं हो तुम जीव, शरीर बच्चा हो सकता है, अपन बड़े नहीं है शरीर बड़ा, अपन बूढ़े नहीं है शरीर बूढ़ा, हम तो आत्मा है, हम तो ज्ञान स्वभाव है, ये बात समझ में आ गई तो अपना जैनत्व बालत्व सफल हो जाएगा, महावीर भगवान की।